नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले 18478 योगनगरी ऋषिकेश से पुरी के बीच में चलने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों बात की जाए इस ट्रेन की, तो ये अपना ट्रेवल टाइम 45 घंटे 50 मिनट का लगभग 70 हॉल्ट के साथ कवर करती है। 2390 किलोमीटर इस ट्रेन का डिस्टेंस जो ये कवर करती है 52 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। दोस्तों बात की जाए आगे इस ट्रेन की, तो रेक टाइप इसका जो ICF रेक आपको इस ट्रेन में अभी देखने को मिलते हैं, और ये रोज़ाना चलने वाली गाड़ी है। और ईस्टर्न कोस्ट रेलवे जो इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, और 1 अक्टूबर 1969 को इस ट्रेन का इनॉग्रल हुआ था। और आपको इस ट्रेन में तुगलकाबाद का वेब 7 इस ट्रेन को पुल करता देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात की जाए आगे इसके कोचेस की और फेयर की, तो जनरल के आपको कोचेस इसमें देखने को मिलते हैं, स्लीपर के, थर्ड एसी के और सेकंड एसी के। स्लीपर के आपको इस ट्रेन में लगभग 11 कोचेस देखने को मिलते हैं, जनरल के 3 और थर्ड एसी के 4, सेकंड एसी का 1 कोच आपको इस ट्रेन में देखने को मिल जाता है, और सेकंड सीटिंग के कोचेस भी आपको इस ट्रेन में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जनरल के कोचेस का किराया है 500 रुपये, स्लीपर का किराया है 830 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 2180 रुपये, सेकेंड एसी का किराया है 3185 रुपये। ये जो भी मैं आपको किराया बता रहा हूँ योगनगरी ऋषिकेश से पुरी तक का बता रहा हूँ, बाकी किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट पर ज़रूर से रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस ट्रेन में तीनों टाइप की कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इस ट्रेन के रूट। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रेन को हरिद्वार से पहले चलाया जाता था, पर अब ये ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से ही चलेगी। तो दोस्तों बात की जाए इस ट्रेन के टाइम टेबल की, तो योगनगरी ऋषिकेश से इसके निकलने का समय हर सुबह में 5:35 पर ये ट्रेन रवाना होती है योगनगरी ऋषिकेश से। उसके बाद ये वीरभद्र में पहुँचती है, वीरभद्र में 5:56 पर पहुँचती है, 5:58 पर चल पड़ती है, 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद रायवाला जंक्शन पहुँचती है 6:12 पर सुबह, 6:14 पर रायवाला से निकलती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। रायवाला के बाद ये मोतीचूर पर पहुँचती है, मोतीचूर पर इस ट्रेन के पहुँचने का समय 6:28 पर, 6:30 पर ये ट्रेन मोतीचूर से चल पड़ती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये हरिद्वार जंक्शन पहुँचती है करीब 6:44 पर, और 6:54 पर ये ट्रेन हरिद्वार से चल पड़ती है, इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद रुड़की में पहुँचती है 7:43 पर रुड़की से चल पड़ती है, इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद टपरी में पहुँचती है, टपरी जंक्शन 8:29 पर पहुँचती है, 8:31 पर सुबह वहाँ से चलती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट। टपरी के बाद ये देवबंद में पहुँचती है 8:51 पर, 8:53 पर देवबंद से चलती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुजफ्फरनगर पहुँचती है सुबह 9:11 पर, 9:13 पर मुजफ्फरनगर से चलती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सकोती टांडा पहुँचती है 9:34 पर, 9:36 पर ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मेरठ कैंट पहुँचती है, मेरठ छावनी इसके पहुँचने का समय सुबह 9:52 पर, 9:54 पर वहाँ से चलती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मेरठ सिटी जंक्शन पहुँचती है, मेरठ सिटी ये सुबह 10:05 पर पहुँचती है, और 10:07 पर वहाँ से चल पड़ती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 204 किलोमीटर ये ट्रेन ऋषिकेश से मेरठ तक कवर करती है। उसके बाद ये गाजियाबाद जंक्शन पहुँचती है 10:57 पर, 10:59 पर ट्रेन वहाँ से चलती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचती है सुबह में 12:15 और 12:00 वहाँ से चल पड़ती है, इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। ऋषिकेश से यहाँ तक ये ट्रेन 274 किलोमीटर कवर कर लेती है। उसके बाद ये फरीदाबाद में पहुँचती है 12:20 पर, 12:22 पर वहाँ से चलती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कोसीकला में पहुँचती है 1:12 पर दोपहर में, 1:14 पर वहाँ से चलती है, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये मथुरा जंक्शन पहुंचती है 2:45 दोपहर को, और 1:50 पर चल पड़ती है, इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये राजा की मंडी में पहुंचती है 2:33 पर, 2:35 पर वहाँ से चलती है, इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद आगरा कैंट में पहुंचती है 2:45 और 2:50 पर वहाँ से चल पड़ती है, इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद धौलपुर जंक्शन पहुँचती है 3:48 पर दोपहर को, और 3:50 पर वहाँ से चल पड़ती है, इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुरैना में पहुँचती है 4:18 पर, 4:20 पर वहाँ से चलती है, इसके ऊपर 2 मिनट। मुरैना के बाद ये ग्वालियर जंक्शन पहुंचती है 4:50 पर, 4:52 पर वहाँ से चलती है, इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद डबरा में पहुंचती है 5:31 पर, 5:33 पर शाम को वहाँ से चलती है, इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दतिया में पहुंचती है शाम को 6:00, 6:02 पर वह चलती है, इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये वीरांगना लक्ष्मीबाई पहुँचती है 7:05 पर शाम को, और 7:13 पर चलती है, इसके ऊपर 8 मिनट का स्टॉप है। लगभग 681 किलोमीटर ट्रेन ऋषिकेश से वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन यानी झांसी तक कवर कर लेती है। उसके बाद ललितपुर में पहुंचती है 8:18 पर, 8:20 पर वहाँ से चलती है, इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये
बीना मालखेड़ी में पहुंचती है रात को 9:58 पे और 10 चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद एक खुरई में पहुंचती है, खुरई में ये 10:16 पे पहुंचती है, 10:18 पे चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सागर में पहुंचती है करीब 10:55 पे और 11 रात को वहाँ से चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ये ट्रेन ऋषिकेश से लगभग 901 किलोमीटर कवर कर लेती है। उसके बाद दामों में पहुँचती है 12:13 पे और 12:15 पे वहाँ से चलती है रात को इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कटनी मुरवारा में पहुँचती है 2:10 पे, 2:20 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चंदिया रोड में पहुँचती है, चंदिया रोड पे इसके पहुँचने का समय 3:27 पे और 3:29 पे ट्रेन रात को वहाँ से चलती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद उमरिया में पहुँचती है 3:46 पे, 3:51 पे ये ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है इसके यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बिरसिंहपुर में पहुँचती है 4:17 पे, 4:19 पे वहाँ से सुबह में चल पड़ती है। उसके बाद शाहडोल में पहुँचती है 5:10 पे सुबह और 5:15 वहाँ से चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बुरड़ में पहुंचती है 5:31 पे, 5:33 पे वहाँ से चलती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमली में पहुंचती है, यहाँ पर ये ट्रेन 5:42 पे पहुंचती है, 5:44 पे चल पड़ती है इसका पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अनूपपुर जंक्शन पहुंचती है 6:10 पर, 6:15 सुबह वहाँ से चलती है इसका पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पेंड्रा रोड में पहुंचती है, पेंड्रा रोड में इसके पहुंचने का समय सुबह में 7 और 7:05 पर वहाँ से चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बिलासपुर जंक्शन पहुंचती है सुबह में 9 और 9:15 वहाँ से चलती है इसके ऊपर 15 मिनट का स्टॉप पर 1407 किलोमीटर ये ट्रेन ऋषिकेश से बिलासपुर तक कवर कर लेती है। उसके बाद ये अकलतरा में पहुंचती है 9:37 पे, 9:39 पे चल पड़ती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये जंजगीर नैला में पहुंचती है 9:52 पे, 9:54 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चांपा जंक्शन पहुँचती है 10:06 पे, 10:11 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बड़ा द्वार में पहुँचती है 10:22 पे, 10:24 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद शक्ति में पहुँचती है, शक्ति में इस ट्रेन के पहुँचने का समय है करीब 10:36 पे, 10:38 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद खारसिया में पहुँचती है 10:51 पे, 10:53 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद रायगढ़ में पहुंचती है 11:24 पे, 11:29 पे रायगढ़ से चलती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद डेल पहाड़ में पहुंचती है 12:06 पे, 12:08 पे वहाँ से दोपहर में चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ब्रजराजनगर पहुंचती है, ब्रजराजनगर इसका पहुंचने का समय करीब 12:23 पे, 12:25 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद झारसुगुड़ा जंक्शन पहुँचती है 1:10 पे, 1:20 पे वहाँ से चल पड़ती है 10 मिनट का स्टॉप है। और योगनगरी ऋषिकेश से यहाँ तक ये ट्रेन 1612 किलोमीटर के करीब कवर कर लेती है। उसके बाद ये बमरा में पहुँचती है 1:45 पे और 1:47 पे वहाँ से चल पड़ती है इसके ऊपर दोपहर में 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये राजगांगपुर में पहुँचती है 2:12 पे, 2:13 पे वहाँ से चल पड़ती है दोपहर में इसके ऊपर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पहुँचती है राउरकेला में पहुँचती है 2:42 पे, 2:50 पे राउरकेला से चलती है इसके ऊपर 8 मिनट का स्टॉप और 1713 किलोमीटर ये ट्रेन कवर कर लेती है योगनगरी ऋषिकेश से राउरकेला तक। उसके बाद मनोहरपुर में पहुँचती है 3:27 पे, 3:28 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 1 मिनट का स्टॉप है। मनोहरपुर के बाद ये ट्रेन चक्रधरपुर पे पहुँचती है 4:28 पे, 4:38 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये राज खरसवान जंक्शन पहुंचती है, यहाँ पर ये ट्रेन 4:55 पे पहुंचती है शाम को और 4:56 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सीनी जंक्शन पहुंचती है 5:10 पे शाम को, 5:11 पे सीनी से चलती है इसके ऊपर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद टाटा नगर जंक्शन पहुंचती है शाम को 5:55 पे और 6:05 पे वहाँ से चल पड़ती है इसके ऊपर 10 मिनट का स्टॉप है और 1877 किलोमीटर ये ट्रेन ऋषिकेश से टाटा नगर तक कवर कर लेती है। उसके बाद घाटशिला में पहुंचती है 7:04 पे भी वहाँ से चलती है। उसके बाद चकुलिया में पहुंचती है 7:30 शाम को, 7:32 पे चलती है। उसके बाद हिजली में पहुंचती है 8:35 पे, 8:43 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 8 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जलेश्वर में पहुंचती है 9:32 पे, 9:34 पे वहाँ से चलती है। उसके बाद बालेश्वर में पहुंचती है करीब रात को 10:10 पे, 10:20 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ये ट्रेन 2122 किलोमीटर कवर कर लेती है ऋषिकेश से। उसके बाद सोरो में पहुंचती है 10:50 पे, 10:52 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद भद्रक में पहुंचती है 11:35 पे, 11:37 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद जाजपुर के रोड में पहुंचती है करीब 12:07 पे, 12:09 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कटक जंक्शन पहुंचती है, कटक जंक्शन 1:03 पे पहुंचती है रात को, 1:08 पे वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद भुवनेश्वर जंक्शन पहुंचती है करीब 1:43 पे, 1:48 पे भुवनेश्वर से चल पड़ती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। और यहाँ पर यहाँ तक ये ट्रेन ऋषिकेश से 2327 किलोमीटर कवर कर चुकी होती है। उसके बाद खुर्दा रोड जंक्शन पहुँचती है 2:08 पे, 2:13 पे वहाँ से चलती है इसके ऊपर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद साक्षी गोपाल में पहुँचती है, इसका यहाँ पर पहुँचने का समय है सुबह में 2:45 और 2:47 पे वहाँ से चल पड़ती है इसके ऊपर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पुरी में पहुँचती है अपनी डेस्टिनेशन 3:25 पे रात को,
और वहाँ पर जाकर अपना 2390 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है और वहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।